जबलपुर लोकेश्वर गोहलपुर स्टेट चिंतारंजन दास वार्ड और नगर निगम वार्ड के विकास के लिए 7 लाख पास किए गए। वार्ड के पार्षद भाई प्रमोद पटेल के अथक प्रयासों से वार्ड का विकास के लिए रोड का नाली नंबर 1 का 24 लाख रुपए का बाउंड्री वॉल का निर्माण होना तय किया गया। रिपोर्ट आशीष महोपिया। वार्ड में 67 लाख रुपए की राशि से लगभग 4 साल के निर्माण कार्य शुरू हुआ। सुभाष वार्ड में 4 लाख की एक सड़क विधायक निधि से हुई, ये चतरंजन वार्ड में निगम मत से, और कुछ 17 लाख की 2 सड़कें सीवर लाइन से शुरू हुआ है। सब मिलाकर आज भी 1 करोड़ के ऊपर के भूमि पूजन, चाहे वो नगर निगम मत की हो चाहे विधायक मत में हो, पूर्व विधानसभा में हुए। इसके लिए मैं क्षेत्रीय जनता को ही सबसे ज़्यादा बधाई दूंगा, क्योंकि जब आप लोग इस बात की मांग करते हैं तो हम लोग इन कामों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। आने वाले मार्च तक, सितंबर से लेकर मार्च तक, नगर निगम के द्वारा शहर में लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे और निरंतर ये विकास की गंगा आगे बढ़ती रहेगी। आज माननीय विधायक लखन घनघोरिया जी, माननीय निगम अध्यक्ष रिंकू विज साहब, उसके साथ साथ हमारे क्षेत्रीय पार्षद प्रमोद पटेल जी और कलीम भाई सबने, और भी हमारे अन्य पार्षद साथियों ने मिलकर ये भूमि पूजन किया। आम जनता को इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये बड़ी लंबी सड़कें हैं जो काफ़ी समय से इन अपेक्षित थी कि इनको बनाकर तैयार किया जाए। 4 पार्षद भाई प्रमोद पटेल जी के अथक प्रयास थे, महापौर जी का विशेष रूप से एक अभिरुचि जो शहर को विकसित और व्यवस्थित करने उसके तहत आज चितरंजन वार्ड की लंबे समय से उपस्थित वो बहुप्रतीक्षित समस्या का समाधान हो रहा है। आज भूमि पूजन किया है। मैं इस अवसर पे क्षेत्र के पार्षद प्रमोद पटेल जी को और शहर के महापौर भाई जगत बहादुर अन्य जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से हम विकसित और व्यवस्थित जबलपुर शहर की जो कल्पना कर रहे हैं वो साकार।